प्राचीन काल में ये राजा खुले में ही बना लेते थे संबंध। जानिए कुछ ऐसी ही हैरान करने वाली बातें। शारीरिक संबंध सभी प्राणियों की जरूरत है, यह हम सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी कोई इस विषय पर खुलकर बात नहीं करते। प्राचीन काल में कई प्रथाएं थीं जिन्हें आज खत्म कर दिया गया है, लेकिन संबंधों की बात करें तो हमारे पूर्वज हमेशा खुले के विचारों के थे। आज हम जानवरों को खुले में संबंध बनाते देखते हैं, लेकिन प्राचीन समय में इंसान भी खुले में संबंध बनाते थे। जी हाँ, ये सच है। महाभारत और भेद जैसे ग्रंथों में उस दौर के संबंधों को लेकर होने वाली बातों का जिक्र मिलता है। यदि स्त्री और पुरुष के बीच आपसी सहमति है तो तरह के रिश्ता बनाने में कोई हर्ज नहीं था। साथ ही साथ शादीशुदा जोड़े भी इसका आनंद लेते थे। हम सभी जानते हैं कि भारत भूमि ही कामसूत्र की जननी है। हमारे देश में खजुराहो और कोणार्क मंदिर में लगी मूर्तियां भी यही दर्शाती हैं। यह सभी प्राचीन भारत का आईना है। ब्रह्म के ग्रंथ पर्व के अध्याय के 104 में जिक्र मिलता है कि राजा उत्थक का बेटा आदि सभी लोगों के सामने ही एक महिला के साथ संबंध बनाने लगा था। यह भी दावा किया जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह ने अपने अधिकतर संबंध लोगों के सामने ही बनाते थे। उन्हें ऐसा करने में बहुत मजा आता था। बाजीराव के समय में घट कामचुकी नाम का एक खेल खेला जाता था, जिसके अंतर्गत कुछ महिलाएं और पुरुष एक स्थान पर मिलते थे। इसके बाद एक महिला अपने कपड़े उतार कर बीच में रखती थी, फिर जो पुरुष उस महिला के कपड़े उठाता था वह उस महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाता था। और ये खेल तब तक खेला जाता था जब तक हर महिला हर पुरुष के साथ संबंध ना बना ले। महाभारत काल में अपोली ने अर्जुन से कहा था कि आपसी सहमति से किसी महिला के साथ संबंध बनाना धर्म के खिलाफ नहीं है। उसने यह भी कहा था, यदि कोई अविवाहित स्त्री संबंध बनाने की इच्छा रखती है तो इसे पूरा किया जाना चाहिए। महाभारत के अनुसार ऋषि वृष्टि की बेटी अक्पुरा उन्हें अपना पति मानती थी, इसलिए उसने उनके साथ संबंध बनाए थे। जिस तरह द्रौपदी 5 भाइयों की पत्नी थी, उसी तरह आसवानी भाइयों ने सूर्य देवता की बेटी को जीता था और वह दोनों की पत्नी बनी थी। ऐसी न्यूज की रिपोर्ट।